हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्स लैब। होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही जायकेदार है और जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, डाइट कॉन्शियस हैं, उन लोगों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। मैं आज आप लोगों के साथ बनाने जा रही हूँ ग्रिल चिकन। जब भी आपका दिल चाह रहा है कि कुछ हेल्दी भी खाया जाए और ग्रेवी वाला नहीं खा पा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ है और बहुत ही आसान मेथड के साथ हम लोग बनाएंगे। 1 kg मैंने यहाँ पर चिकन लिया है। ये देखिए, इस तरह से इसमें डीप गैशेस लगवाने हैं उचड़ से बोलकर। ये देखिए, आप खुद भी इसको घर में लगा सकते हैं, अदरवाइज आप जो मीट सेलर हैं उनको बोलिए, वो इस तरह डीप गैशेस लगा के देंगे आपको। ये देखिए, बहुत से लोगों की ना कंप्लेन होती है कि जब भी हम ये रोस्टेड चिकन बनाते हैं ये अंदर से फीका निकलता है, स्पाइसेस अंदर तक नहीं जा पाते, तो उन लोगों के लिए मैं ये स्पेशली दिखा रही हूँ कि इस तरह से डीप गैशेस लगवाएं ताकि इसमें स्पाइसेस भी अंदर अच्छे से चले जाएंगे और ये जूसी भी निकलेगा अंदर से और बहुत टेस्टी बनेगा। ये 1 kg चिकन है तो इसके हमारे 2 मैरिनेशन होंगे। तो फर्स्ट मैरिनेशन हम स्टार्ट करते हैं। 1 teaspoon हम इसमें सबसे पहले नमक ऐड करते हैं, चारों तरफ फैला कर डालिएगा। 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। ये देखिए, ये मैंने 2 लेमन का जूस निकाल लिया है। 2 teaspoon हम लोग इसमें अभी ऐड कर देंगे और बाकी बाद में करेंगे सेकंड मैरिनेशन में। ये 1/2 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्च है, ये डाल देंगे। ये 1/2 teaspoon हम तंदूरी मसाला डालेंगे, किसी भी पैकेट का मसाला आप ले सकते हैं। ये 1/2 teaspoon तंदूरी मसाला डाल देंगे और इन सब स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें इसकी बहुत अच्छे से मसाज कर देनी है। ये देखिए, ये जो इसके गैशेस लगे हुए हैं ना, ये आप देख सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से हम इसमें ये स्पाइसेस लगा देंगे तो हमारा जो चिकन है ना वो बहुत टेस्टी बनेगा। और जब भी आप चिकन बना रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा टाइम दें इसको और इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रखें, तो फिर आप देखिएगा इसका टेस्ट कितना ज़बरदस्त आएगा। ये तो जल्दी में भी आप चिकन मैरिनेट करके बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि जल्दी में अगर आप लोग मैरिनेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ एक और ऐड करेंगे ताकि ये जल्दी से बन जाए, वो सीक्रेट मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी थोड़ी देर में। तो देखिए, ये हमारा फर्स्ट मैरिनेशन हो गया है, इसको हम ऐसे ही रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। देखिए व्यूअर्स, 20 मिनट हो चुके हैं, अभी हम देख लेते हैं मैरिनेशन हो चुका है, अब हम इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करते हैं। अब ये हमारा है सेकंड मैरिनेशन। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर 300 ग्राम दही लेकर उसको हंग कर लिया है, अच्छे से उसका पानी निकल चुका है, तो अब ये 2 teaspoon उसमें ऐड करेंगे। हंग कर्ड ही डालनी है, नहीं तो हमारा मैरिनेशन लिक्विड लिक्विड हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह की हंग कर्ड हमें यूज करनी है। ये 1 spoon हो गया और ये 2 spoon। ये 1/2 teaspoon इसमें ऐड करेंगे काला नमक। काले नमक से क्या होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और टेस्ट इसका खुल भी जाता है। और बाकी अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट हम पहले डाल चुके हैं, सेकंड मैरिनेशन में 1 spoon और डालेंगे। ये देखिए, ये तंदूरी मसाला है, 1 teaspoon इसमें ये डालेंगे। 1/2 teaspoon इसमें रेड चिली पाउडर मिलाएंगे। ये ऑरेंज फूड कलर है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। मैरिनेशन जब हम करते हैं तो ये ऑरेंज फूड कलर से इसका कलर बहुत ही अमेजिंग आता है, इसलिए ये जरूर डालिएगा, स्किप नहीं करना है। और ये लास्ट में जो मैंने लेमन जूस निकाला था, ये भी हम इसमें सारा ऐड कर देंगे। 1 teaspoon इसमें रोस्टेड जीरा पाउडर डालेंगे, इससे ना बहुत अच्छी खुशबू आती है, प्लस ये डाइजेस्टिव भी हो जाता है। 1/2 teaspoon चाट मसाला डालेंगे, कोई भी पैकेट का चाट मसाला आप ले सकते हैं। ये सारे स्पाइसेस हमने इसमें डाल दिए हैं, अब फिर वही प्रोसेस करेंगे। अब हमें इसकी करनी है अच्छे से मसाज। देखिए व्यूअर्स, मसाज हमने किया, ये सारे गैशेस को अच्छी तरह से फिल कर देंगे अपने फिंगर की हेल्प से। ये देखिए, सारे गैशेस में मैं लगा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो जब हम इसको खाएंगे बहुत ही मजे का लगेगा और कोई भी इसके जो पीस है ना वो प्लेन नहीं निकलेगा अंदर से। ये देखिए, ये मैरिनेशन हो चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट से, कोई गेस्ट आ गया सडनली और आपका दिल चाहा
कि हम लोग ना ग्रिल करते हैं चिकन, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक सीक्रेट बता देती हूँ। वो सीक्रेट ये है कि अगर ओवरनाइट आप मैरिनेट नहीं करना चाहते तो ऐसा कीजिए, इसमें 2 टीस्पून वाइट वेनेगर डाल दीजिए। वाइट वेनेगर से ये जल्दी टेंडराइज हो जाएगा और आप इसको बना सकते हैं। तो जब भी आपको फटाफट से बनाना हो तो आप इसमें वाइट वेनेगर ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज इस तरह से मैरिनेट कर रहे हैं तो इसको ओवरनाइट मैं रख देने वाली हूँ, आप भी इस तरह कीजिएगा। इससे क्या होगा, ये बहुत जूसी और बहुत टेस्टी बनता है। तो मैं हमेशा जब भी चिकन बनाती हूँ इसको एक रात पहले मैरिनेट करके रख देती हूँ। तो फिर सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद में, जब हमारे स्पाइसेस में अच्छे से चले जाएं, तब हम इसमें 1 टीस्पून कोई भी कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। ये देखिए, इससे क्या होता है, सूखा सूखा नहीं निकलेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। जब आप सारे स्पाइसेस इसमें अच्छे से मिक्स कर लें, सबसे लास्ट में ही ऑयल ऐड करिएगा, क्योंकि अगर हम इस पर पीसेस पर ऑयल लग जाएगा ना तो स्पाइसेस अंदर नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए हमने सबसे लास्ट में इसमें ऑयल ऐड करना है। ये देखिए, तो अब इसको लिड से कवर करके रख देते हैं ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट हो चुकी है और ये हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको ग्रिल पर सेक लेंगे। ग्रिल करने के लिए सबसे पहले हम जो इसकी डालियां हैं इनको ब्रश करेंगे। अब हम एक एक पीस करके यहाँ लगा देंगे। सारे पीसेस मैंने इस पर लगा दिए ग्रिलर पर। अब हम इन पीसेस को फ्लिप कर देंगे। देखिए इधर से इतना अच्छा कलर आना शुरू हो गया है, ये सिक रहे हैं, और इसको भी पलट देते हैं। ब्रशिंग कर देंगे अभी तक पाइप की थोड़ा थोड़ा, ये देखिए, ताकि एकदम ड्राई ना हो जाए, थोड़े जूसी रहेंगे, हम इसे ब्रशिंग कर देंगे। तो देखिए इसको हम ब्रेक कर देते हैं। वाओ, जबरदस्त तरीके से दिख चुकी है। ये देखिए व्यूअर्स, कितने अच्छे से पीस सीख चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, अमेजिंग। अब हम इनको एक पॉट में निकाल लेंगे। ये देखिए, निकाल एकदम जूसी और मजेदार ये बने हैं। ये देखिए, ये देखिए सारे पीसेस हम इसी तरह करके निकाल देंगे। देखिए व्यूअर्स, तैयार है हमारा ग्रिल चिकन। आप इस तरह से ये ग्रिल चिकन ज़रूर बनाइएगा, बहुत आसान तरीका है और सारे ही मसाले हमारे घर में मिल जाते हैं, तो फटाफट से ये चिकन बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते रहेंगे हम अपनी इसी तरह की मज़ेदार मज़ेदार रेसिपीज के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। Take care yourself and keep watching Flavors Lab.